हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक। बिजनेस कम्युनिकेशन में आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे एडवांटेजेस ऑफ रिटन कम्युनिकेशन। मींस टू से वो कौन कौन से एडवांटेजेस होते हैं, रिटन कम्युनिकेशन के कौन कौन से बेनिफिट्स होते हैं, ये हम डिस्कस करेंगे हमारे आज के सेशन में। सो लेट्स कवर। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। होप सो यू विल बी गुड एंड फाइन एंड स्टे एट योर होम। जैसा कि सिचुएशन और टाइम चल रही है उसके हिसाब से घर पे रहना ही सेफ है। घर पे रहिए, खुश रहिए और लेक्चर भी अटेंड करते रहिए, ताकि हम लोगों को भी थोड़ा मोटिवेशन मिले कि भाई स्टूडेंट्स लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमें भी मोटिवेट करती हैं जब स्टूडेंट की तरफ से फीडबैक मिलता है। सो फीडबैक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो कम टू सेशन, एडवांटेजेस ऑफ कम्युनिकेशन। प्रीवियस लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था रिटन कम्युनिकेशन क्या होता है। सो अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग व्हाट इज द मीन ऑफ रिटन कम्युनिकेशन। ठीक है, सो रिटन कम्युनिकेशन इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एन एग्जीक्यूटिव ऑन एन ऑर्गेनाइजेशन टू कम्युनिकेट ऑन पेपर। ठीक है, रिटन कम्युनिकेशन क्या है? रिटन कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है जिसकी थ्रू हम रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी को फिक्स करते हैं। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने के लिए रिटन कम्युनिकेशन रिक्वायर्ड है। अगर आप ओरली इस तरीके से कम्युनिकेट करोगे या किसी को रिस्पॉन्सिबल या अकाउंटेबल बनाओगे, तो कहीं ना कहीं उसकी वैलिडिटी या वो वैलिड नहीं रहेगा जितना वो रिटन कम्युनिकेशन के थ्रू वैलिड रहता है। ठीक है, तो रिटन कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन, मैसेज, व्यूज, जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास है उसको आप क्या कर रहे हो, रिटन वे में ऑन द पेपर एंड द यूज ऑफ सच काइंड ऑफ प्रिसाइज एंड रिटन मैसेज, दैट मैसेज यू डिलीवर इन द फॉर्म, अगर बिजनेस की बात कर रहे हैं तो इन द फॉर्म ऑफ लेटर्स, मेमो और रिपोर्ट्स, नोटिस, इनके थ्रू आप क्या कर रहे हो, इन्फॉर्मेशन कन्वे कर रहे हो अपने जो भी आपके टारगेट ऑडियंस हैं या रिसीवर्स हैं, तो उसको रिटन कम्युनिकेशन कहते हैं। ठीक है, और रिटन कम्युनिकेशन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिकॉज इन एन ऑर्गेनाइजेशन देयर आर टू मैनी पीपल हैव टू फेस टू फेस कम्युनिकेशन। The pupil may be spread across wide geographical distance and may sometime not be connected by telephone. That time, written communication required. Okay, so let's cover what are the advantages. तो one by one में यहाँ पे लिखता भी जाऊँगा और explain भी करता जाऊँगा। तो first advantage है, it helps to provide ready records and reference. ठीक है, रिटन कम्युनिकेशन क्या करता है, रिटन कम्युनिकेशन एक तरीके से रिकॉर्ड मेंटेन भी करवाता है। अगर आप रिटन तरीके से किसी फाइल या किसी नोटिस के थ्रू या किसी कोई भी फॉर्म है बिजनेस कम्युनिकेशन का, उसके थ्रू इंफॉर्मेशन कन्वे कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं उस रिटन इंफॉर्मेशन को आप एज अ रिकॉर्ड भी मेंटेन करके रख सकते हो। तो पहला एडवांटेज यही है, आपका रिकॉर्ड मेंटेन हो जाता है जिसको आप फ्यूचर प्रोस्पेक्ट कभी भी यूज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। जैसे कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि भाई रिटन कम्युनिकेशन की वैलिडिटी, अगर लीगली बात करें तो लीगली जो कम्युनिकेशन है वो रिटर्न ही होता है, उसकी वैलिडिटी रहती है। ठीक है, अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट दो पार्टीज के बीच में हो रहा है तो वो कॉन्ट्रैक्ट और उसमें जो भी एग्रीमेंट्स किए गए हैं वो रिटर्न होंगे। ठीक है, दोनों पार्टीज के पास रिटर्न कॉपी होगी और उसको वो उसको संभाल कर रखते हैं एज अ रिकॉर्ड, ताकि फ्यूचर में जब भी वो प्रैक्टिस फॉलो हो तो उसको हम क्या कर सकते हैं, टैली कर सकते हैं कि भी क्या हमने एग्रीमेंट किया था। अगर सेकेंड पार्टी उस हिसाब से काम नहीं कर रही है तो आप उसको नोटिस कर सकते हो और कन्वे कर सकते हो कि भाई जो भी एग्रीमेंट हुआ है वो ये हुआ है। तो इसलिए लीगल वैलिडिटी ज्यादा रहती है रेदर देन ओरल कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन की। ठीक है, और साथ के साथ रिकॉर्ड भी मेंटेन करके हम रख सकते हैं, तो ये एक एडवांटेज है। सेकंड है, बिल्ड लीगल डिफेंस, जैसा कि अभी मैंने बताया। बिल्ड लीगल डिफेंसेस
ठीक है। लीगली आप बहुत सारे इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड मेंटेन करके रख सकते हो और साथ के साथ यूज भी कर सकते हो। जब भी हमारा किसी भी पार्टी के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट रिटन फॉर्म में होता है ताकि उसको हम लीगल तरीके से भी यूज कर सकें। अगर फ्यूचर में कभी ऐसी नीड पड़ जाए तो आपके पास रिटन फॉर्म होना चाहिए। रिटन जो भी लेटर है, प्रिस्क्राइब लेटर है या फिर जो भी फॉर्म है वो आपके पास होना चाहिए ताकि फ्यूचर में आप उसको यूज कर सको। ठीक है। सो बिल्ड लीगल डिफेंसेस। थर्ड नंबर थर्ड है प्रमोट यूनिफॉर्मिटी पॉलिसी एंड प्रोसीजर। रिटन कम्युनिकेशन कहीं ना कहीं पॉलिसी और प्रोसीजर्स जो होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के उनको भी फॉलो करवाता है। कोई भी इंफॉर्मेशन, अगर मैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के कम्युनिकेशन सिस्टम की बात करूं तो उस कम्युनिकेशन में रिटन फॉर्म को प्रिस्क्राइब किया गया जाता है। ठीक है। कोई भी इंफॉर्मेशन है तो आप रिटन तरीके से क्या है कम्युनिकेट करोगे ताकि जो भी टारगेट पर्सन है उसकी अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी असाइन हो और साथ के साथ उसको हम एज अ रिकॉर्ड भी मेंटेन करके सक सकें। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन की जो पॉलिसी है, जो प्रोसीजर है वो फॉलो हो रहा है। अगर कोई भी इंफॉर्मेशन मैनेजर अपने वर्कर्स को दे रहा है या वर्कर्स अपने मैनेजर्स को दे रहे हैं तो एक प्रोसीजर बना हुआ है कि रिटन तरीके से आपको क्या करना है, उसको कम्युनिकेट करना है। जैसे कोई भी आपके को कोई भी डाउट है या कोई क्वेरी है या कोई प्रॉब्लम है, चाहे वो वर्किंग कंडीशन से रिलेटेड है या अगर मैं किसी भी फैक्ट्री ऑर्गेनाइजेशन की बात करता हूँ या फिर कोई कलीग्स में आपस में कोई डिस्प्यूट चल रहा है, तो इस तरीके से ये इंफॉर्मेशन आप रिटन तरीके से क्या कहें कम्युनिकेट करेंगे अपने मैनेजर को। ठीक है। तो वो ज़्यादा वैलिड रहेगी। तो वही चीज़, और साथ के साथ एक प्रोसीजर और पॉलिसी भी मेंटेन रहती है। फोर्थ नंबर पे जो एडवांटेज है रिटन कम्युनिकेशन का वो है कि भाई आप मास कम्युनिकेशन कर सकते हो। गिव एसेस टू लार्ज ऑडियंस थ्रू मास मेलिंग। ठीक है। आप क्या कर रहे हैं, मास कम्युनिकेशन कर सकते हो एक बार में बहुत सारे लोगों को। जैसे कि कोई आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में कोई इंफॉर्मेशन आती है, दैट इज अ मास कम्युनिकेशन। एक बार में बहुत सारे लोग उस इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं। तो इस तरीके से रिटन कम्युनिकेशन हेल्प्स टू डिलीवर द मैसेज टू द नंबर ऑफ द पीपल्स। ओके। फिफ्थ नंबर है एक्यूरेसी ज्यादा रहती है रिटन कम्युनिकेशन की। एक्यूरेसी एंड अंडरस्टैंडेबिलिटी। ठीक है। मोर रिटन कम्युनिकेशन इज मोर एक्यूरेट। वहीं अगर कोई ओरल कम्युनिकेशन हो रहा है तो कहीं ना कहीं हाँ चांसेस ज्यादा है कि वो इंफॉर्मेशन क्या है एक्यूरेट ना हो, क्योंकि जब इंफॉर्मेशन एक बंदे से दूसरे बंदे की तरफ ट्रांसफर होती है या दूसरे से तीसरे की तरफ ट्रांसफर होती है तो उसका जो एक्चुअल वे है थोड़ा चेंज हो जाता है। लेकिन रिटन कम्युनिकेशन लास्ट तक सेम रहती है, तो एक्यूरेट और प्रॉपर अंडरस्टैंडेबिलिटी है रिटन कम्युनिकेशन की। नेक्स्ट है एविडेंस ऑफ प्रूफ अगेंस्ट एनीथिंग। ठीक है। एविडेंस ऑफ प्रूफ अगेंस्ट एनीथिंग, किसी भी कोई भी चीज है उसके अगेंस्ट एज अ प्रूफ की तरह काम करता है रिटर्न इंफॉर्मेशन। अगर आपके पास कोई भी रिटर्न इंफॉर्मेशन है तो उसको आप एज अ एविडेंस काम एविडेंस यूज कर सकते हो। ठीक है। जैसे कि अभी मैंने बताया था लीगल प्रोस्पेक्ट, इसी तरीके से एज अ प्रूफ की तरह भी काम करते हैं। क्लियर गाइडलाइन विच आर इजली फॉलो। ठीक है।
रिटन कम्युनिकेशन हेल्प्स टू द न्यू जॉइनी टू अंडरस्टैंड बेटर वे, ठीक है, कि भी क्या गाइडलाइंस हैं, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को हम ज्वाइन करने जाते हैं तो हमें रिटन तरीके से कम्युनिकेट किया जाता है। वहाँ हमें ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी, प्रोसीजर, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, कोड ऑफ कंडक्ट, ऑर्गेनाइजेशन किन वैल्यूज पे काम कर रही है, ये सब रिटन तरीके से कम्युनिकेट किया जाता है। तो वहाँ हम बेटर तरीके से उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे एज अ एडवांटेज डिस्कस की गई है, क्लियर गाइडलाइन विच आर इजली फॉलो, और इजली हम उसको फॉलो भी कर सकते हैं। ठीक है, सेंस ऑफ सिक्योरिटी, टू लोअर स्टाफ, ठीक है, लोअर स्टाफ के पास क्या है, एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी रहती है अगर उनको कोई भी इंफॉर्मेशन कन्वे की गई और फिर वो उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ठीक है, अगर मैनेजर कोई भी इंफॉर्मेशन उनको कन्वे कर रहा है, अगर वो रिटर्न तरीके से है, तो वो उसके पास, उनके पास क्या है, एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी है कि भाई मैनेजर के कहने पे हमने ये काम किया, ये चेंज किया। ठीक है, अगर वही चीज ओरल है तो कहीं ना कहीं उसका एक पॉजिटिव नेगेटिव इफेक्ट भी पड़ सकता है कि मे बी कि मैनेजर उसको डिनाई कर दे और ड्यूरिंग द अनफेवरेबल एनवायरनमेंट वो उस काम उस चीज उन चीज़ों को एग्री ना करे जो उन्होंने कम्युनिकेट करी है। अगर वही चीज़ रिटन तरीके से है तो वर्कर्स के पास एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी है कि भाई अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन ऑफ द मैनेजर वी आर डूइंग वर्क अकॉर्डिंग टू देयर प्रोसेस। ठीक है, तो रिटन कहीं ना कहीं जो रिटन इंफॉर्मेशन है वो वर्कर्स को एज अ सिक्योरिटी, सेंस ऑफ सिक्योरिटी के तरह भी ट्रीट करती है। ठीक है, तो ये थे आज के कुछ एडवांटेजेस ऑफ रिटन कम्युनिकेशन। अब इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, ये भी देख लीजिए। डिसएडवांटेजेस ऑफ रिटन कम्युनिकेशन, डिसएडवांटेजेस ऑफ रिटन कम्युनिकेशन, ठीक है, फर्स्ट वन है डिफिकल्ट, फर्स्ट वन है बिकम डिफिकल्ट, टू मेंटेन फाइल्स एंड रिकॉर्ड्स। अभी मैंने कहा कि भाई रिटन कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप उसको मेंटेन कर सकते हो, रिकॉर्ड्स बना सकते हो, लेकिन उसका एक डिसएडवांटेजेस ये भी है, डिसएडवांटेज कि भाई ये क्या है, एक टफ टास्क है, बहुत सारे पेपर्स वर्क और उनको मेंटेन करना, फाइल्स बनाना, रिकॉर्ड्स बनाना, इट इज वेरी टफ टास्क टू फॉर द वर्कर्स। ठीक है, पुअर एक्सप्रेशन प्रॉब्लम, स्टूडेंट्स रिटन कम्युनिकेशन भी प्रॉपर वे में होना चाहिए, प्रॉपर उसका एक प्रिस्क्राइब फॉर्म होनी चाहिए, जो भी वर्ड्स आप यूज़ कर रहे हो वो प्रॉपर एक्यूरेट होने चाहिए। अगर प्रॉपर एक्सप्रेशन नहीं है, पुअर एक्सप्रेशन है, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करता है उन लोगों को जो उनको रीड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ जब भी हम रिटन कम्युनिकेशन करते हैं तो अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कम्युनिकेशन प्रिसाइज वर्ड्स लेटर्स यूज़ करते हैं ताकि उसकी एक्यूरेसी बनी रहे और जो रिसीवर है उसको प्रॉपर उसी इंटेंशन से अंडरस्टैंड कर ले जिस इंटेंशन से मैसेज भेजा गया है। ठीक है, तो ये एक डिसएडवांटेज है रिटन कम्युनिकेशन का, अगर पुअर एक्सप्रेशन है किसी का तो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, कॉस्टली है, कॉस्टली प्रोसेस है। अगर मास कम्युनिकेशन की बात करूं तो और ज़्यादा कॉस्टली है, जैसे कि न्यूज़पेपर में अगर हम कोई ऐड निकलवाते हैं तो हमें उसके लिए पे करना पड़ता है। ठीक है, और लास्ट है इमीडिएट फीडबैक इज नॉट ऑब्टेंड। ठीक है, जैसे कि ओरल कम्युनिकेशन में क्या होता था, इमीडिएट फीडबैक मिल जाता है, लेकिन रिटन कम्युनिकेशन में इमीडिएट फीडबैक नहीं मिलता, पार्टीज को वेट करना पड़ता है। जैसे कोई भी ईमेल आप किसी को सेंड कर रहे हो तो ऐसा नहीं है कि एकदम उसका रिप्लाई आ जाएगा, या फिर कोई भी लेटर आपने किसी को इश्यू किया तो ऐसा नहीं है कि एकदम आपको उसका फीडबैक मिल जाएगा, उसके लिए आपको भी क्या करना है, थोड़ा पेशेंस रखना होगा और थोड़ा वेट करना होगा। तो एक डिसएडवांटेज इसका ये है, इमीडिएट फीडबैक इज नॉट ऑब्टेन।
ठीक है। सो ये थे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। होप सो आपको समझ में आए होंगे। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, तो मुझसे दोबारा से डिस्कस कर ले इन सारे पॉइंट्स में, ठीक है। ओके स्टूडेंट, आज के सेशन को मैं यहीं पे फिनिश करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।